उत्तर प्रदेश। गंगा दशहरा के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा आरती की नई परंपरा शुरू की गई थी। खास बात यह है कि गंगा आरती कन्याओं के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। संगम महाआरती समिति के दावा है कि ऐसी गंगा आरती विश्व में पहली बार शुरू की गई है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज गंगा अवतरण दिवस के अवसर पर छठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा आरती के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाआरती की ओर से कुंभ 2025 के अवसर पर भी भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। सनातन मान्यता के अनुसार गंगा अवतरण के दिन प्रयागराज में गंगा दशहरा मनाया जाता है। आस्था है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद जिस तरह से जन्म के छठे दिन छठी कार्यक्रम किया जाता है, आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। संगम महाआरती समिति, जिला प्रशासन और माघ मेला प्राधिकरण के साथ सहयोगी संस्था जय त्रिवेणी जय प्रयाग समिति के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को गंगा दशहरा के छठे दिन गंगा आरती के साथ ही संपन्न हो गया। आपको बता दें कि खास रही कन्याओं की गंगा आरती, संगम महाआरती समिति की ओर से इस साल से गंगा आरती की नई परंपरा शुरू की गई। गंगा आरती अभी तक बटुक ब्राह्मण करते रहे हैं, लेकिन इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर कन्याओं द्वारा आरती पूजन और वैदिक अनुष्ठान किया गया है। संगम महाआरती समिति के अध्यक्ष प्रदीप पांडेय के अनुसार अब गंगा आरती कन्याएं ही समापन कराएंगी। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि गंगा आरती की ऐसी परंपरा विश्व में पहली बार हो रही है। इस बार कुंभ के आयोजन में भी कन्याओं और महिलाओं की हम लोगों का गंगा दशहरा के उपलक्ष्य के बाद आज छठी का माँ गंगा के अवतरण दिवस के बाद छठी का कार्यक्रम आज मनाया गया है। और हमारी जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति ने पहली बार कन्याओं के साथ आरती चालू करी है, तो नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम चालू हुआ है, जो कि हर इतवार को निश्चित किया गया है कि कन्याएं आरती करेंगी। तो इसी उपलक्ष्य में आज छठी का पर्व भी मनाया गया और यहाँ पर कन्याओं को सम्मानित भी किया गया, साथ ही सारे पदाधिकारियों को भी सम्मानित करते हुए आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत वर्ष में पहली बार नारी सशक्तिकरण को कन्याओं ने आरती किया, इसके लिए क्या कहेंगे? पहली बार हम लोगों ने मिलकर के पहली बार ये कदम उठाया है, क्योंकि जब देश में हम लोगों को आज योगी जी मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत इतना आगे बढ़ा दिया है, तो क्यों ना हर क्षेत्र में हम नारियां आगे बढ़े। आज तो बच्चियों ने आरती की है, परंतु आगे भविष्य में हम सब महिलाएं मिल करके संपूर्ण आरती को करने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। मैं अनुराधा त्रिपाठी, मंडल से प्रभारी, जय त्रिवेणी जय प्रयाग। आज के जय त्रिवेणी जय प्रयाग, यहाँ पे जो गंगा आरती की शुरुआत की गई है, यहाँ हम लोग यहाँ भाग लिए, महिलाओं ने यहाँ पूजन किया, उनके माध्यम से आरती कराई गई, तो महिला सशक्तिकरण का तो है ही है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य हम कहना चाहेंगे, ये वो स्थान है जहाँ पर हमारे ऋषि मुनि बाबा देवराहा बाबा 1989 में यहीं से उन्होंने राम मंदिर दिव्य और भव्य बनेगा यह बात कही थी, तो यहीं से उनकी बात जो है सत्य साबित हुई। और वर्तमान में हंस देवराहा बाबा जो उनके उत्तराधिकारी हैं विंध्याचल मिर्जापुर में, उनका संकल्प है कि तिब्बत को चीन से अलग किया जाए और कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा हो। तो सनातन संस्कृति की जागृति के लिए, कैलाश मानसरोवर को वापस भारत में मिलाने के लिए, तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए और सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए गंगा आरती का महत्व जन जागृति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? योगेंद्र केशरवानी, जिला प्रभारी, सम प्रकोष्ठ गंगापुर। गंगा अवतरण दिवस के उपरांत जो है हम लोग यहाँ पर गंगा माता का छठी का आयोजन किए, जैसे घर परिवार में बच्चे होते हैं, हम लोग अपने परिवार के अंदर उत्साह मनाते हैं, वैसे ही गंगा अवतरण दिवस के छठी पर्व पर आज हम लोगों ने माता रानी का यहाँ पर छठी बनाया और यहाँ पर महिलाओं ने एकत्र होकर, जय त्रिवेणी जय प्रयाग की समस्त महिलाएं एकत्र होकर लोकगीत सोहरी के माध्यम से जो है कई गीत गाए यहाँ पर, और साथ ही साथ आरती समिति में आज सभी का सम्मान किया गया, जो इतना बड़ा आयोजन संपन्न कराया गया, तो सभी पूरे टीम को हम लोगों ने सम्मानित किया है यहाँ पर। और आने वाले समय में और लोग जुड़ेंगे, प्रयास हमारा ये है कि जय त्रिवेणी जय प्रयाग को पूरे विश्व विख्यात किया जाए। जैसे हर जगह का नारा है, वैसे प्रयागराज का भी नारा है जय त्रिवेणी जय प्रयाग, क्योंकि तीन नदी महानदी मिलती हैं, बहुत सी नदियाँ मिलती हैं, मगर ये जो तीन नदियाँ हैं वो त्रिवेणी हैं
और 12 भाई जो है प्रयाग हैं, प्रयागराज एक हैं, प्रयाग जो है 12 हैं, तो हम लोग 12 का ही सम्मान करते हैं क्योंकि प्रयागराज के भाई हैं, इसीलिए हम लोग जय त्रिवेणी जय प्रयाग कहते हैं, जय त्रिवेणी जय प्रयागराज नहीं कहते। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रयागराज में जैसे ब्रह्मा जी ने जब प्रथम यज्ञ किया और कल्पना हुई जब सृष्टि की, तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है जो कन्याओं की जो यहाँ पर आरती चालू हुई है, पूरे भारत पूरे विश्व में अभी तक कन्याओं के माध्यम से गंगा आरती कहीं नहीं की जाती, जो कि प्रयागराज जो है अपनी उपलब्धि को आगे दिखा रहा है लोगों को, और प्रयागराज जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, तो हमारा प्रथम कार्य है कि हम लोग जो भी करें यहाँ से प्रथम हो। तो माता रानी की कृपा से यहाँ से बालिकाओं ने जो है आरती प्रारंभ की है, और आने वाले समय में पूरे विश्व में पूरे देश में आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी, लोग करते हुए दिखेंगे, सनातन मजबूत होगा, और सबसे बड़ी बात पुरुष और महिला एक बराबर है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्धनागेश्वर अलग हैं ही नहीं, तो जब हम अर्ध हैं तो बराबर के हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम लोग सामने से खड़े होकर महिलाओं को सपोर्ट करें और वो ज़मीन पर दिखना चाहिए। तो प्रयास है कि नारी सशक्तिकरण को हम लोग प्रयागराज से धर्म से जोड़ कर दिखाएँ, क्योंकि जैसे सभी क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसी नाते हम लोग यहाँ के पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, तो हमारा भी कार्य है कि हम भी देश के कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। जय त्रिवेणी जय प्रयाग।